नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार ज्ञान डॉट कॉम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से आ चुकी साल 2022 के लिए नई सीधी भर्ती के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए आवेदन पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। आने वाली 24 अगस्त 2022 तक आप लोग घर बैठे बिल्कुल फ्री में पीएनबी बैंक की जॉब के लिए आवेदन कर पाएंगे और मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन भी पा सकते हैं। बिना किसी एग्जाम और इंटरव्यू के काफी अच्छी वैकेंसीज के नोटिफिकेशन आउट किए जा चुके हैं। अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल 10वीं या फिर 12वीं पास है और आप लोग अभी तक किसी भी तरह की प्राइवेट या जॉब नहीं पा सके हैं, आपको नहीं मिल सकी है, तो आप लोग आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा ताकि आप लोग पीएनबी बैंक की तरफ से आई हुई इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाएं और एक अच्छी सी पोस्ट पर जॉब पा सकें। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको वीडियो आपके काम की लगे तो इस वीडियो को अभी के अभी एक लाइक कर दें और आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। यहाँ पर देख सकते हैं 4/8/2022 यानी कि 4 अगस्त का अपडेट है, कुछ और वैकेंसीज निकल के आई हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ऑफिसर के अंदर आपको फायर सेफ्टी की और सिक्योरिटी की वैकेंसी मिलेंगी, लेकिन आज हम लोग स्पीडो में इन वैकेंसीज के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। अभी कुछ टाइम पहले ही प्यून के पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं, इन्हीं वैकेंसीज के बारे में स्पीडो में बात करने वाले हैं। तो चलिए नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहां पे देख सकते हैं हमारा नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। यहां पे सबसे हेडिंग के अंदर देख पाएंगे पंजाब नेशनल बैंक और पीएनबी की तरफ से वैकेंसी है। इसके बाद अगर हम लोग स्क्रॉल करें, यहां पे आप लोग देख पाएंगे किस डेट के दिन नोटिफिकेशन आउट किया गया है। 5/8/2022 यानी कि 5 अगस्त के दिन नोटिफिकेशन आउट किया गया है। इसके बाद अगर और नीचे करें तो यहाँ पर देखिए आपको प्यून की वैकेंसी मिलने वाली है। वेतन की बात करें काफ़ी अच्छा है, 14,500 से 28,145 रुपए के साथ साथ अन्य भत्ते भी आपको दिए जाएंगे। आपकी जो उम्र है कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 24 साल की होनी चाहिए। इसके अलावा 5 साल का उम्र में छूट मिलेगा, जिसके तहत 29 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए, समकक्ष यानी कि 10+2 अगर आप लोग पास हैं तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे वैकेंसीज की रिक्ति मिल जाएंगी, यहाँ पे आपको कैटेगरी मिल जाएंगी, आप लोग अपने कैटेगरी के हिसाब से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि न्यूनतम अधिकतम आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12वीं पास होने चाहिए और आपको अंग्रेजी पढ़ने लिखने का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आयु की बात करें तो 1 जुलाई 2022 से 18 साल की कम से कम, अधिक से अधिक 24 साल की, जैसे कि मैंने बताया कि 5 साल की उम्र में छूट मिलेगी तो ये आपको यहाँ पे दी जाएगी। यहाँ तक कि पीएच कैंडिडेट को 15 साल तक की छूट दी जाएगी। अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो आपकी एज यहाँ पे लगभग 24+ यहाँ पे 15 को प्लस कर देंगे तो आपकी एज इतनी होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं आवेदन कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए A4 साइज के आवेदन पत्र को यहाँ पे लेके आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा और यहाँ पे आपको एड्रेस मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदन का जो प्रारूप है, चपरासी की भर्ती हेतु आवेदन पत्र, इसके अंदर आपको टोटल 11 चीजें मेंशन करनी है। चलिए मैं बता देता हूँ क्या क्या है। पहला नंबर, पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ अटैच करनी है। इसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिखना है, पिता या पति का नाम लिखना है, वर्तमान का निवास का पूर्ण पता देना है, स्थायी निवास का पूर्ण पता, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जन्मतिथि बतानी है, शैक्षिक योग्यता बतानी है, जाति वर्ग बताना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, रोजगार पंजीयन क्रमांक बताना है यदि हो तो बताना है, और आवेदित जिले का नाम, किस जिले से आप लोग आवेदन कर रहे हैं, और फाइनली यहाँ पे आवेदक के हस्ताक्षर होने चाहिए। उसके बाद आवेदन भेजने का पता यहाँ पे देख सकते हैं। जो आपका सिलेक्शन है कैसे किया जाएगा, यहाँ पे आपको बताया गया है कि अंतिम रूप से चयनित आवेदकों को बैंक के नियमानुसार मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना होगा। आवेदन करने की जो आखिरी डेट है 24/8/2022 यानी कि 24 अगस्त शाम के 5 बजे तक की रखी गई है। इसके बाद अगर चयन प्रक्रिया की बात करें तो देख सकते हैं मेरिट के हिसाब से आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा किसी भी तरह का यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, मेरिट वेटेज के आधार पर आप सभी का सिलेक्शन होने वाला है। साथ में यहाँ पे देखिए रिक्तियों की संख्या को घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है, तो
आप लोग यहाँ पे इस पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते हैं कि इतनी वैकेंसी है, इतनी कम हो गई या फिर इसमें इंक्रीजमेंट कर दिया गया। ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम कुछ और बात करेंगे कैसे आप लोग फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। इन सारी चीज़ों के लिए बस आपको इस वीडियो में आखिरी तक बने रहना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पीएनबी बैंक की तरफ से आ चुकी साल 2022 के लिए एक बार फिर से नई सीधी भर्ती के बारे में, जहां पर बिना किसी परीक्षा और इंटरव्यू के केवल और केवल मेरिट लिस्ट के सिलेक्शन के आधार पर आप सभी के लिए भर्तियों के नोटिफिकेशन आउट कर दिए गए हैं। इन वैकेंसीज के लिए मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। अगर आप लोग 10+2 पास हैं, 10वीं या 12वीं पास हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन तरीके से आप सभी को फॉर्म फिलअप करने होंगे। ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने की आखिरी डेट 24 अगस्त शाम के 5 बजे तक की रखी गई है। तो आपको ध्यान से दिए गए टाइम के अंदर फॉर्म फिलअप करके सेंड कर देना है। बाकी की जानकारी आपको आगे मिलेगी। अगर अभी तक आप लोगों को इस वीडियो में कोई भी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और आगे आने वाली वीडियोज की अपडेट को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलिए चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक और ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों, आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डिटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा तो क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहां पे आने के बाद देख सकते हैं पीएनबी बैंक पीयून पोस्ट ऑफलाइन फॉर्म आ चुके हैं 2022 के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखें वेरियस नंबर वैकेंसी मिल जाएंगी, पीयून की वैकेंसी मिल जाएंगी, जिनके लिए आप लोग 6 अगस्त 2022 से लेकर 24 अगस्त 2022 तक ऑफलाइन तरीके से आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे आपकी उम्र कम से कम 18 और अधिक से अधिक 24 और 15 सालों की उम्र में यहाँ पे छूट भी आपको दी जाएगी, जिसके तहत अगर आपकी उम्र 39 साल तक की है तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। आवेदन शुल्क बिल्कुल फ्री है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट क्यों ना हो। टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे की लिस्ट है, क्लिक हियर पे क्लिक करके आप लोग जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होंगे आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखें आपका ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक का होने वाला है। बात करें वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, कौन कौन से राज्यों से आप लोग आवेदन कर पाएंगे, तो यहाँ पूरा का पूरा डिटेल दे दिया गया है। वेतन की बात करें तो 14,500 से 28,145 रुपये प्लस आपको अन्य भत्ते भी यहाँ पे दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। एजुकेशन में आपका मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट होगा तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 24 अगस्त 2022 इसकी आखिरी डेट रखी गई है। आपका जो सिलेक्शन है मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा और फाइनल यहाँ पर जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी ला के देना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे, जहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का, नोटिफिकेशन का और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। डाउनलोड फुल नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और rozgarjnan.com की वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको इस वैकेंसी का फुल टू अपडेट मिल जाएगा, साथ में साइड में आपको और भी कई सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगी नई वैकेंसीज की, तो आप लोग इनको भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंपॉर्टेंट लिंक का। यहाँ पे आपको अप्लाई ऑफलाइन के साथ साथ नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। साथ में यहां पे देखें, यहां पे डाउनलोड नोटिफिकेशन की बटन पे क्लिक करेंगे और अपने नोटिफिकेशन को किसी भी पीडीएफ रीडर की सहायता से ओपन कर लेंगे। क्योंकि ये नोटिफिकेशन आपका ओपन हो चुका है पीएनजी फॉर्मेट में, इसको जूम करके आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। सेम नोटिफिकेशन ओपन होगा जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में डाउनलोड करके ओपन करके दिखाया था। कोई भी समस्या होती कमेंट करिए, साथ में इस वीडियो के लिए 300 लाइक का टारगेट है कंप्लीट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।